हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दिन के 2 और अभी मैंने स्नान किया है और घर का सब काम हो गया है और मेरे जो चावल है वो भी मैंने धूप में दे दिए हैं। और कल रात हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश थी तो उसी वजह से रात भर लाइट भी नहीं थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई थी और पूरी रात तेज़ बारिश हुई हमारे यहाँ। और ऐसे बिन मौसम बरसात हो जाती है तो जो भी हमारे जो सामान रखे होते हैं वो भीग जाते हैं। तो उसी तरह मेरी जो चक्की थी, वो गट्टी बोलते हैं हम, तो वो भी मेरी भीग गई है। तो उसको भी मैंने साफ़ किया और उसको भी मैं धूप लगा रही हूँ। और बहुत सारे कपड़े थे तो उनको भी मैंने धूप में डाले हैं। तो इस तरह से अचानक से बिना मौसम बरसात आ जाती है तो हमारे जो भी सामान हो जाते हैं ख़राब, जो भीग जाते हैं और जो पानी लग जाने से ख़राब हो जाते हैं, तो मालूम नहीं था। और ये जो गद्दा है इसको भी मैंने धूप में दिया है आज, ये बारिश के मौसम में पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं इसको धूप लगा रही हूँ और कुशन भी लेके आ गई हूँ तो इनको भी मैं धूप में रख देती हूँ। तो बस इस तरह से आज मेरा पूरा दिन मेरे छत पे ही जाने वाला है क्योंकि मैं ये चवले साफ़ करूँगी और आज मैं इनकी दाल बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं दाल कैसे बनाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ मैं दाल। अभी मैं सब धूप में डाल देती हूँ और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। तो मैंने चवले साफ़ करने के बाद थोड़ी सी चाय पी और के बाद मैंने थोड़ी सी भेल खाई। और आप देख सकते हैं ये मैंने बनाया है दलिया। तो मैंने चक्की में सबसे पहले इसलिए ये गेहूं का दलिया बनाया क्योंकि मैंने पिछली बार चक्की में बाजरे बाजरा जो होता है वो बाजरे का आटा पीसा था तो उसी वजह से ये थोड़ी इसमें कलर थोड़ा चेंज हो जाने के लिए मैंने ये दलिया बनाया इसमें। तो ये भी बहुत अच्छा बना है, मैं घर पे बना लेती हूँ दलिया, मेरी इस चक्की में बन जाता है और थोड़ा अच्छा भी रहता है, काम भी होता रहता है। और अभी मैं ये जो दाल बना रही हूँ चवले की, तो ये भी मैं घर पे बना रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनेगी। पहले मैंने इनको भिगोया था और उसके बाद मैंने इनको धूप में दिया और अभी इसकी जो मैं दाल बना रही हूँ तो इसके ऊपर बिल्कुल भी जो कचरा है वो सब निकल जाएगा। आप देखना, बहुत अच्छे से घर पे दाल बना सकते हैं आप। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इसी दाल की वड़ी बनाना।
ये जो मैं दाल दल रही हूँ, इस जो मैं दाल बना रही हूँ, हमारी भाषा में दाल दलना ही बोलते हैं, तो मैं बार बार दलना ही बोल रही हूँ। और ये जो इसमें हम दाल बनाते हैं चक्की में, तो ये हमारे लिए बहुत पौष्टिक रहती है, और जो बाजार की होती है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क रहता है। तो ये घर की दाल है, बहुत पौष्टिक है, इसी तरह से बनानी चाहिए, और इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लगती है। ये बिल्कुल हल्की खट्टी चल रही है। इसमें हम आटा पीसने की भी बना सकते हैं और दाल की भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से ये होती है। और आटा आटा पीसने में तो हमें इसमें थोड़ा भारी चलती है, तो हम नहीं पीस पाते हैं, पर दाल तो अच्छे से बन जाती है। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छी तरह से मैंने दाल को बना दिया है। और अभी मैं इस दाल को निकाल रही हूँ बाहर, और इसको मैं अच्छे से छान लूँगी, तो ये जो दाल है इसमें जो भी कचरा है वो निकल जाएगा। इसको मैं एक बार झटक लूँगी और थोड़ा सा वो आटा निकलेगा बस। तो इस तरह से मैं दाल बनाती हूँ घर पे। अभी मैं इसको छान लेती हूँ, और जो भी इसके ऊपर कचरा है वो मैं झटक लूँगी, तो बस बहुत अच्छी सी दाल बन गई है, मैंने घर पे बना ली है। इस तरह से दाल आप भी ज़रूर बनाएं, अगर आपके घर में इस तरह की चक्की है तो आप ज़रूर यूज कीजिए। पहले के ज़माने में सब इस तरह से ही बनाते थे, तो अभी हमारे घर में है तो मैं इस तरह से दाल बनाती हूँ। और ये जो दाल है रेडी हो गई है, और अभी मैं ये सब कचरा समेट लेती हूँ, ये कचरा निकाल लेती हूँ अभी मैं, और दाल को मैंने रख दिया है। और जो मैं वड़ी बनाऊँगी उसका आटा भी मैं इस चक्की में ही पीसूँगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।